दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा भतीजा और रहस्यमय दानव। ये देखते हैं कैसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा भतीजा और रहस्यमय दानव। वह एक खुशनुमा सांस थी। अचानक आकाश में बादल गहराने लगे और कड़ोर घने बादलों के बीच एक रहस्यमय आकृति उभरी। कड़ोर और पलक झपकते ही एक विकराल दानव में बदल गई। वह रेशमी और भयंकर दानव पहाड़ी की धरती पर उतरा। ही शी शी। तब एक विचित्र तीखी आवाज से पहाड़ी गूंज उठी, किट किट उफ। दानव के जादू इशारा करते ही आकाश में एक नर कंकाल खोपड़ी प्रकट हुई। ही शी शी। काले मसान की खोपड़ी, तुम मेरा पीछा करते हुए यहां भी आ पहुंची। गुर्र, मेरा पीछा मत कर, जा वापस लौट जा। ही शी। किट किट। मैं तेरी नीम बांध जादूगर हो सांगू की हुक्म की गुलाम हूँ। किट किट। खुद को चालाक समझ रहा है, त्रिकंटा पर तू मूर्ख है। किट किट। तू सोचता है मान जादूगर हो सांगू की त्रिश्मी कैद से भाग रहा, आजाद हो गया है, तो यह तेरी भूल है। किट किट। तू मूर्ख है, मसान की खोपड़ी हो सांगू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हा। जादूगर हो सांगू मान है त्रिकंटा, उसके हाथों से तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। किट किट। मुता खोपड़ी तेरी हिम्मत की, तू मुझे मौत की धमकी दे। गुर्र, यह मेरे कैद से भाग निकलने का रहस्य जान गई है, इसका वापस लौटना ठीक नहीं। त्रिकंटा ने हाथ से जादू इशारा किया। अगले पल लाखों मेगावाट की शक्तिशाली विद्युत किरणें आकाश की ओर लपकी और ही। आह, तेरी आग के भयंकर लपटे मुझे कितनी ठंडक पहुंचा रही है। किट किट। ये ओछी जादूगरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किट किट। तभी खोपड़ी विचित्र प्रकाश पुंज में बदल गई। फट हम, तो यह दूध खोपड़ी अब कोई गहरी चाल चलना चाहती है, कौन सी? अचानक ही प्रकाश पुंज से प्रकाश की विचित्र रहस्यमय किरणें फूटने लगी और धुएं की एक लकीर उभरी। तभी काले मसान की खोपड़ी प्रकट हुई। ले, अब मेरा वार संभाल। किट किट। धुएं की रहस्यमय लकीर विचित्र आकार लेने लगी और आग उगलते भयंकर बाले में बदल बिजली की तेज से धरती की ओर बढ़ चली। सर, ओह, सोए शमशान के अघोर दैत्य का कपालिक वाला, इसके वार से बचने का अब एक ही उपाय है, अगर जरा सी भी चूक होगी तो यह वाला मुझे जलाकर राख कर देगा। तभी दानव ने बिजली की तेज से हवा में छलांग लगाई। सर, गड़ोड़ अगले परमाणु पहाड़ी पर भूचाल ही आ गया। विशालकाय चट्टाने आकाश में सूखे पत्तों की तरह उड़ चली और सोए शमशान के अघोर दैत्य का कपालिक वाला भयंकर आग उगलता हुआ पहाड़ी की धरती को वेग से चीरता हुआ रसातल में समा गया। खचाक। ओह, उफ, दूर चालाकी से वार बचा गया। किट किट। तभी सोए शमशान के अघोरियों का काला जादू, खोपड़ी फट गई तड़ाक और तेज से धुआं उगलने लगी। फिस और फिस, धुआं भयंकर बिस्तर बन प्रकट हुआ। फिस, उफ, पिशाचों का दूध सरपता ना। फिस, त्रिकंटा देख अब तू कैसे जिंदा बचता है। किट किट। त्रिकंटा ने जादू इशारा किया और भयंकर तलवार प्रकट हुई। देखूं यह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हिस हिस। अचानक पिशाचों का सर्पदानव भयंकर रूप से फुंकारता हुआ त्रिकंटा की ओर बढ़ा। यह डसकर मुझे खत्म खत्म करना चाहता, पर यह इतना आसान नहीं। हिस। खचाक। हा, तेरा सर्पदानव तो एक ही बार में टैप बोल गया मुर्दा खोपड़ी। तुम मूर्ख है त्रिकंटा, जरा आकाश में तो देखी। ही। आकाश में तुम कटे सर्पदानों में जादुई परिवर्तन होना शुरू हुआ। हिस, बढ़ जा बढ़ जा, और उसकी नई पूंछ पैदा होगी, वह जीवित तो उठा। हिस, उधर धड़कटे सर्पदानों के पूंछ में भी जादुई परिवर्तन होना शुरू हुआ और अगले पल उसके नया धड़ उग गया। हिस, कटकर भी मरा नहीं, उफ, धड़ के दोनों टुकड़े दो सर्पदानों बन गए। त्रिकंटा तो इनके जितने भी टुकड़े करेगा हर टुकड़ा फिर नया सर्प दानव बन जाएगा। किट किट। अपने प्राणों की खैर चाहता तो मान ओसांगो की तिलस्मी कैद में वापस चला चल, वरना मेरी शक्तियां तुझे जलाकर राख कर देंगी। किट किट। खामोश मुर्दा खोपड़ी, दुनिया की कोई भी शक्ति है मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। अचानक त्रिकंटा अदृश्य हो गया। तो तेरे सर्प दानव मरकर भी जीवित हो जाते हैं, देखो अब इन्हें मारने से तू कैसे रोकती है। पहाड़ी एक तीखी और कर्कश आवाज से गूंज उठी। की
और एक विकराल चील प्रकट हुई। उसने दिल दहलाने वाली आवाज के साथ पहाड़ी की ओर गोता लगाया। की हिस बुरे फंसे भागो, हिस की और हिस सांप भाग लिए। की वह उसे चट कर गई, जान बचानी मुश्किल है, भागूंगो हिस। उफ मेरी चाल नाकामयाब रही, वह इसे भी खाकर खत्म कर देगी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। की अचानक जादुई खोपड़ी की आंख से विचित्र जादुई किरणें निकली और उसने श्रपदानों को अपने घेरे में ले लिया। तभी दिल दहलाने वाली चीख के साथ विकराल चील ने जादुई किरणों से घिरे श्रपदानों की ओर हवा में गोता लगाया। की इस अरे गायब हो गया कैसे, फट तू चूक गया किटकिट, पर इस बार मैं नहीं चूकूंगी। मता खोपड़ी तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, हिम्मत है तो कोशिश करके देख। ओ यह दूत मेरा रहस्य जानता है, इसे सूते में जलकर राख हो जाऊंगी। मान जादूगर संगू के पाताल लोक से लौटने तक इसकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी। यह दूत मेरी आंखों में धूल झोंक कैद से भाग निकला, यही मौका जब मैं इसके छोटे से मस्तिष्क को अपने काबू में कर सकती हूँ। सोचे पड़ गई मुर्दा खोपड़ी, हिम्मत है तो वार कर, बड़ा दूत है, इसे दूरता से ही काबू में किया जा सकता है। जादुई खोपड़ी ने अपनी मानसिक तरंगों द्वारा चील बने त्रिकंडा दानों के मस्तिष्क से संबंध जोड़ा। त्रिकंडा मेरी आवाज ध्यान से सुनो, त्रिकंडा मेरी आवाज ध्यान से सुनो। की त्रिकंडा मेरे पूछे सवालों का सही से जवाब दो। त्रिकंडा बताओ तिलिस्मी कैसे भागकर अब तुम कहां जा रहे हो। त्रिकंडा दुष्ट खोपड़ी की आवाज सोचती है, मेरे पक्षी बने नन्हे मस्तिष्क पर अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा काबू कर वह मेरा रहस्य जान लेगी। मूर्ख जवाब दो त्रिकंडा जवाब दो। अचानक चील अदृश्य हो गई और मूर्ख तुम मेरे नन्हे मस्तिष्क के विचार को जानना चाहती थी, ले कोशिश कर। हा 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 वो फिश के विशाल शरीर के विशाल मस्तिष्क तक पहुंचना तो और भी मुश्किल हो गया। आखिर यह जा कहां रहा है, कहीं अपनी मुक्ति के लिए किसी की सहायता लेने तो नहीं जा रहा। मूर्ख नहीं जानता मान जादूगर होशांगों की शक्ति के आगे दुनिया में उसे टकराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। पर जागते शमशान की सोई ए तृप्त आत्माओं, जागो जागो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक जादुई गोला प्रकट हुआ। जादुई गोले बता त्रिकंटा किससे सहायता मांगने जा रहा है। जो हुक्म आका होम तो ये है इसके मददगार। किट किट ये मरील बुढ़ा और पिद्दी लड़का, ही इन्हें खुद ही दूसरों की मदद की जरूरत है। तुझ से मरील बुढ़ा और पिद्दी समझ रहे हैं, वे चाचा भतीजा समझे होंगे। मेरे आका मान जादूगर होशांग अपनी शक्ति से चुटकी बजाते इन्हें राख कर देंगे। ये क्या खा किसी की मदद करेंगे। चाचा भतीजा साधारण मनुष्य नहीं है, दोनों मान देवताओं की पवित्र शक्तियों के मालिक हैं। मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब मैं चला। फट जादुई गोला अदृश्य हो गया। उफ यह तो बुरी खबर है, जादूगर होशांगू को सावधान करना चाहिए। अच्छी मुसीबत तुम्हें फंस गई, वापस कैद में ले जाने में इसे छूते में जल कर राख हो जाऊंगी। अगर होशांगू को खबर देने वापस जाती हूँ तो त्रिकंडा चाचा भतीजा से संबंध बना लेगा। क्या सोचने लगी खोपड़ी, मैं तेरे हाथ आने वाला नहीं, जान पे रहे तो वापस लौट जा। यह नहीं जानता कि मैं इसका रहस्य जान गई हूँ, पर ये चाचा भतीजा से किस तरह की मदद चाहता है। इसके पहले मेरी मानसिक तरंगे इसके विचारों को पढ़ पाती, यह दूत मेरी चालाकी भाप गया। ठीक है मेरा पीछा करना तो कर, पर होशांगू के पाताल लोक से लौटने पर उसे क्या जवाब दोगी। यह ठीक कहता, मुझे इसके चाचा भतीजा से मिलने की सूचना जादूगर होशांगू को देनी होगी। अचानक खोपड़ी अदृश्य हो गई और अगले पल पंखों वाला सर्प बनकर प्रकट हुई। इस मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है त्रिकंटा, हिस। और उसने त्रिकंटा की ओर गोता लगाया। इस प्यार और युद्ध में सब जायज है। इस ओपिया किसने डसाई त्रिकंटा, काश तो यह देखने के लिए उसमें होता किस इस बार मैं वार चूकी नहीं। देखो अब तू चाचा भतीजे से मिलकर भी किस तरह सहायता मांगता है। इस अब तुझे कोई खतरा नहीं रहा, चलकर जादूगर होशांगू को खबर करूं। सर्फ फिर से जादुई खोपड़ी बन उठ चली। उधर जिन भाई आज की आकाश की सैर का सचमुच मजा आ गया। मजा क्यों ना आता भतीजे, आखिर मुफ्त की सैर जो हो रही है। हा हा हा। चाचा जी देखे धरती पर वह कौन सा दत्तर लेटा हुआ है, मुझे तो इसके इरादे खतरनाक दिखते हैं। यह चंदनगढ़ में उत्पात मचाना तो नहीं चाहता।
अभी पता चल जाएगा। भतीजे जिन नीचे उतरो, जो आ गया चाचा जी, यह तो बेहोश है, मैं इसे खत्म कर देता हूँ चाचा जी। रुको जिन, बेहोश व्यक्ति की हत्या करना बहादुरी नहीं कायरता है। इसके होश में आने तक इंतजार करो, ताकि इसके चंदनगढ़ आने के रहस्य का तो पता चले, तब तक हम टहलाते हैं। जो आ गया चाचा जी। कुछ समय बाद त्रिकंडा होश में आया, तब कौन है तू, या चंदनगढ़ में क्या करने आया? गो 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 गो, यह तो गूंगा है। अरे चिरा का चिनिया, तब तो चाचा भतीजा भी आसपास ही होंगे। उफ, अब चाचा भतीजा मिल भी गए तो उनसे मदद कैसे मांगूंगा? दुष्ट खोपड़ी ने मेरी बोलने की शक्ति नष्ट कर दी। बस एक ही उपाय है चाचा भतीजा से मदद मांगने का। अचानक त्रिकंटा दानव ने चीते की फुर्ती से चिराग के जिन की ओर हवा में छलांग लगाई और धड़ाक। उफ, गूंगे, तूने वार कर बहुत बड़ी गलती की है। आज तक मैंने किसी को बख्शा नहीं है। शेर की मान में घुसकर सोए हुए शेर को छेड़ने की का मजा चक। उफ, लगता तुझे तेरी मौत ही मुझ तक खींच लाई है। भिशुम, ओ गो गो, ले गुस्सा तुझे बोलना भी सिखा देगा। गुर गो गो, उफ खूब बचा। यहाँ तो चाचा भतीजे से सहायता मांगने आया था और कहाँ फंस गया। यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खटाक, मैं तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुर, इसके पहले कि यह मेरा खात्मा करे, मुझे कुछ करना होगा। त्रिकंटा दानव ने हवा में हाथों से जादू इशारा किया और अगले पल यह गूंगा तो जादूगरी भी दिखाता है। गो गो, खूब बचा वरना सिर धड़ से जुदा हो जाता। खचाक, गो गो, ओ यह बार भी कम वक्त बचा गया। त्रिकंटा, याद रखिए तीसरा और अंतिम मौका है। अगर अब की बार चौका तो मैं लौट जाऊंगी। गो गो, अचानक त्रिकंटा ने ऐसा उदाहरण चिराग के जिन पर वार कर दिया। ओ खचाक, कड़ो कड़ो कड़ो, चाचा भतीजा, अरे चिराग के जिन की आवाज क्या हुआ? आओ भतीजे, लगता चिराग का जिन किसी मुसीबत में फंस गया है। आश्चर्य चाचा जी, इतने बलशाली जिन पर किसने हमला करने की जरूरत की होगी? भतीजे, या तो वहीं पहुंचकर पता चलेगा। क्या हुआ जिन? चाचा जी, उस गूंगे दानव ने धोखे से मेरी पीठ पर वार कर दिया। गुर, दूर पीछे से वार करना कायता है, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। गुर गो गो, अब काम बन जाएगा। चाचा जी, आप यही मेरा इंतजार करें, मैं इस कार्य को ठिकाने लगाकर अभी आया। ठहरो जिन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। पता तो करे रहस्यमय दत्त है कौन, और इसने तुम पर हमला क्यों किया? चाचा भतीजा जिन पर सवार हो त्रिकंटा दानों के पीछे उठ चले। चाचा जी, यह दानों तो गूंगा है, आप इससे इसका रहस्य कैसे जान पाएंगे? वेरा कंपक गूंगा दानव, अब मेरी तरकीब काम कर गई। चाचा भतीजा मेरा पीछा कर रहे हैं। वाह चाचा जी, सचमुच कमाल के आदमी हुए हैं। मैं गूंगा हूँ इसलिए वे अपनी मानसिक तरंगों द्वारा मेरे मस्तिष्क से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे चाचा जी के मानसिक तरंगे द्वारा त्रिकंटा के मस्तिष्क से संबंध जुड़ा। कौन हो तुम और तुमने जिन पर हमला क्यों किया? त्रिकंटा दानव ने अपनी मानसिक तरंगों द्वारा चाचा जी से संबंध जोड़ा। और चाचा जी, पहले आप उत्तमगढ़ के राजकुमार का परिणाम स्वीकार करें। जिन पर हमला कर मैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। वो तो तुम राजकुमार वीरेंद्र सिंह हो, पर तुम तो शिकार करते समय जंगली जानवरों के शिकार हो गए थे। नहीं चाचा जी, दरअसल जादूगर होशांगू ने मेरा अपहरण कर तिलिस्मी कैद में बंद कर रखा था। वे अपने मान देवता गोकुल को मेरी बलि देकर उनसे मर्ता का वरदान पाना चाहता था। समझा, कोई तुम्हें पहचान कर तुम्हारी मदद न करे, इसलिए उसने तुम्हें दानव बना दिया। राजकुमार वीरेंद्र सिंह जी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दूत जादूगर होशांगू द्वारा दिए गए इस दानव रूप से मुक्ति। चाचा जी, मैं दानव नहीं इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की हर कोशिश करूंगा। मुझे होशांगू के गुप्त अड्डे तक ले चलो। चलो जिन, चाचा जी आप मेरे पीछे चले आइए। कुछ देर बाद चाचा जी, इसी गुफा में दुष्ट होशांगू रहता है। अचानक जिन अदृश्य हो गया। अरे क्या, तुम तो होशांगू का नाम सुनते डर कर अदृश्य हो गए जिन। जिन किसी से नहीं डरते चाचा जी, मैं तो समाने पर उस धूर्त जादूगर होशांगू से आपकी रक्षा करने के लिए अदृश्य हुआ हूँ। राजकुमार वीरेंद्र, हम तीनों गुफा में जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक तुम हमारा यही इंतजार करो। जो आ गया चाचा जी। उधर गुफा में जादुई खोपड़ी प्रकट हुई। किट किट,
सावधान हो संग चाचा भतीजा राजकुमार विजेंद्र की मदद करने इस गुफा में पहुंच चुके हैं। ओ पर वैगुंगा चाचा भतीजे से मदद मांगने में सफल कैसे हो गया? इस समय यह सब सोचना तुम्हारी मूर्खता ही होगी ओसांगू। त्रिकंटा दाना तुम्हारी जादुई शक्तियों से छुटकारा पाकर फिर से राजकुमार वीरेंद्र सिंह बनना चाहता है। असंभव जादुई खोपड़ी त्रिकंटा दुनिया के लिए हमेशा ही रहस्यमय दानव बना रहेगा। हा हा हा। इसका मतलब त्रिकंटा कभी अपना असली रूप नहीं पा सकता, उसे अपना असली रूप पाने का एक उपाय है। उधर चाचा भतीजा जादूगर ओसांगो की बात सुन रहे थे। कौन सा? अगर कोई मेरा खात्मा कर दे तो त्रिकंटा अपना असली रूप पा सकता है, जो असंभव है। पर अब तो चाचा भतीजा त्रिकंटा ही चाहता है कि आए है कि आपकी जादू शक्ति उनकी देवताओं की पवित्र शक्तियों का मुकाबला कर सकेगी। जादू ओसांगो हवा में जादू इशारे करता है। जादूगरों का काला जादू। अचानक एक भारी भरकम चट्टान पहाड़ी के से नीचे दुड़क चली, गड़ 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 और गुफा के मुंह पर जा रुकी। गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। धड़ाम। हा हा हा, फंस गए दोनों मेरी तिलिस्मी गुफा में। खोपड़ी जा, दोनों के खून से अपनी प्यास बुझा। जो को मालिक प्यास प्यास गर्म ताजे खून की प्यास की ठीक ठीक। बुरे फंसे चाचा जी, मुसीबत में हिम्मत आना कायरता भतीजे। अचानक अदृश्य जिन प्रकट हुआ ही और उसने मुंह फाड़ सांस भीतर खींची। टिठिट प्यास प्यास, आजा आजा, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। चबर चबर, ओह कितनी बेस्वाद खोपड़ी थी, मुंह का जायका बिगड़ गया। आख थू, जिनके अड्डिया थूकते ही वह भयंकर तलवार बन गई। चाचा जी तलवार की ओर लपके, यह ठीक रहेगी और सांगू सिर निपटने के लिए। इधर, अरे गुफा में धुआ, लगता जादू खोपड़ी नष्ट हो गई। बाबू खोपड़ी के नष्ट होते मेरी सारी जादू शक्ति भी नष्ट हो गई। ओह बुरा फंसा, अब जादू हड्डी ही मेरी मदद कर सकती है। ओसांगू का जादू इशारा, जादू हड्डी प्रकट हुई। क्या चाहता ओसांगू? जादू हड्डी तिलिस्मी गुफा को खोलने में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ठीक है। अचानक जादू हड्डी से विचित्र किरणें निकलकर गुफा के बंद द्वार पर पड़ी। कड़ कड़ कड़। तभी चाचा जी मेरी सहायता से किरणों पर वार करिए, अगर ओसांगू गुफा के बाहर निकल गया तो यह मुसीबत खड़ी कर देगा। अगले पल चाचा जी ने किरणों पर तलवार का भरपूर वार किया। खचा और उफ, हड्डी चलते ही मैं हमेशा के लिए इस तिलिस्म में कैद हो गया। चिंता मत कर, मैं तुझे इस कैद से भी आजाद कर देता हूँ। खचाक। अचानक गुफा में तेज प्रकाश उभरा और आश्चर्य, चाचा जी ओसांगू के मरते तिलिस्म गुफा के साथ साथ वह रहस्यमय दानव भी गायब हो गया। तभी राजकुमार वीरेंद्र वहां आए। भतीजे मैं वह रहस्यमय दानव हूँ। वाह राजकुमार वीरेंद्र सिंह, आप कब से मजाक करने लगे? यह सच्चा भतीजे, अगर मैंने अपनी मानसिक शक्ति तरंगों द्वारा उस गूंगे दानव के विचारों को नपड़ा होता तो राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए रहस्यमय दानव ही बने रहते। दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। मुझे तो बहुत ही बकवास लगी। अगर आप चाचा भतीजा के फैन हो तो पढ़ दें, नहीं तो मुझे तो कोई खास मजा आया नहीं इसमें। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में।